दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं चाणक्य नीति के अनुसार सच्चे व सही इंसान की पहचान कैसे करें, और ये जान लेना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे वीडियोज़ आपको हर रोज़ मिलते रहें। तो आइए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आचार्य चाणक्य ने नीति शास्त्र में व्यक्ति के स्वभाव व गुणों के बारे में बताया है। चाणक्य की नीति को अपनाने में भले ही कष्ट होता है, लेकिन जिसने भी अपनाया उसका जीवन सुखमय हो जाता है। दोस्तों आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में चाणक्य की ये नीतियाँ जीवन की हर कसौटी पर व्यक्ति की मदद करती हैं। अक्सर लोग व्यक्ति की पहचान में गलती कर देते हैं, जिससे उन्हें कष्टों का सामना करना पड़ता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चाणक्य नीति के अनुसार अच्छे व सच्चे व्यक्ति के गुणों के बारे में बताने जा रहे हैं कि क्या गुण होते हैं जिससे अच्छे व सच्चे व्यक्ति की पहचान की जा सकती है। दोस्तों चाणक्य कहते हैं कि घिसने, काटने, तापने और पीटने, इन चार चीज़ों से सोने की परख होती है। ठीक उसी तरह से व्यक्ति की पहचान उसके आचरण, उसमें कौन से गुण हैं, त्याग की भावना और कर्म की भावना से होती है। इसमें पहला पॉइंट है, चाणक्य कहते हैं कि अच्छे व सच्चे व्यक्ति में त्याग की भावना होती है। चाणक्य कहते हैं कि जो व्यक्ति दूसरों के सुख के लिए कुछ नहीं कर सकता वह भला इंसान नहीं हो सकता है। दूसरों की खुशियों के लिए अपनी खुशियों का त्याग करने वाला व्यक्ति ही अच्छा इंसान माना जाता है। और दोस्तों इसमें दूसरा पॉइंट है, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को परखने में उसका आचरण यानी चरित्र काफ़ी मायने रखता है। नीति शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति बेदाग व बुराइयों से दूर रहते हैं और दूसरों के लिए गलत भावनाएं नहीं रखते हैं वह श्रेष्ठ होते हैं। और तीसरा पॉइंट है, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति को परखने के लिए उसमें कौन से गुण हैं यह भी देखना चाहिए। अगर व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा करता है, बात बात पर झूठ बोलता है, अहंकार से भरा है और दूसरों का अपमान करता है, ऐसा व्यक्ति दूसरों का भला नहीं कर सकता है। और दोस्तों चाणक्य की नीति के अनुसार इसमें चौथा पॉइंट है, चाणक्य कहते हैं कि व्यक्ति किस स्थिति में कुल में जन्मा है और व्यक्ति के कर्म कैसे हैं, इन बातों के आधार पर भी व्यक्ति को परखना चाहिए। तो दोस्तों चाणक्य नीति के अनुसार इन चार पॉइंट्स के माध्यम से हम अच्छे व सच्चे व्यक्ति की पहचान कर सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो की जानकारी आपको कैसी लगी, आप अपने विचार को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो एक लाइक और वीडियो को लोगों तक शेयर भी कर दीजिए। और दोस्तों अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस वीडियो के नीचे वाले लाल बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करके साइड में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लीजिए, ताकि दोस्तों ऐसे वीडियोस आपको हर रोज़ मिलते रहें। बाकी दोस्तों नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बाकी तब तक के लिए आप सभी का अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।